वेरी मच। पूरा एक्सटेम्पोर बोलते हैं और इतने विषयों पर आपने चर्चा की, दो तीन सवाल उठे तो मैं, एक आपने उदाहरण दिया सेंटर स्टेट रिलेशंस का इशू निकलता है उसमें, जो पाइपलाइन का आपने उदाहरण दिया कि आज आप सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर लड़ रहे हैं जिसमें पाइप्ड गैस हाउसहोल्ड में जा सकती है। तो सवाल मैं थोड़ा उसको बड़ा करके पूछना चाहता हूं, वो तो एक एक, एक मुद्दा हो गया। इस प्लानिंग कमीशन का जो सारा आर्किटेक्चर है हिंदुस्तान में, मैं आपको बताऊं जब एनडीए की सरकार 98 में आई थी तो ऐसे ही कुछ हम लोग चार पांच लोग बैठे हुए थे तो सबने कहा कि अब क्या ऐसा सिग्नल देंगे वाजपेयी जी कि पता चले कि व्यवस्था बदल गई है। तो उनमें से एक ने बोला कि देखिए मेरे को लगता है कि प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर देंगे क्योंकि उससे एकदम सिग्नल जाता है कि अब जो नया इकोनॉमिक पैराडाइम होगा। तो सवाल यह है कि ये सेंटर स्टेट रिलेशंस में स्टेट्स की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है बहुत कम है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत कम है, तो वो कैसे ठीक किया जाए? देखिए हमारा एक तो फाइनेंस कमीशन होता है जो हर एक राज्यों के साथ मिलकर के बात करता है, हर राज्य उनको देते हैं और उसमें ज्यादातर ये होता है कि भी जो गरीब राज्य हैं उनका क्या, अमीर राज्य हैं उनके पास तो पैसे हैं, अगर हम ज्यादा अलॉटमेंट वहां करेंगे तो ह्यूमन व्यू पॉइंट से इस तर्क में दम है कि अगर गुजरात में इंडस्ट्री है वहां से टैक्सेस बहुत आते हैं लेकिन कोई और प्रदेश है जहां वो संभावनाएं नहीं है तो भाई हमें फाइनेंस को वहां ट्रांसफर करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि उसमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। कठिनाई कहां आती है कि भारत सरकार ने मानो रास्तों के लिए एक फंड देना तय किया और बाद में जब देने की नौबत आती है तो देखते हैं कि किस गोत्र की सरकार है और गड़बड़ वहां से शुरू होती है। गड़बड़ वहां से शुरू होती है, सिद्धांतों में ज्यादा समस्याएं नहीं आती है। अब मैं बताऊं प्लानिंग कमीशन, अगेन इश्यू विल बी इंटरेस्टेड फॉर राजदीप सागरी का है क्या? नहीं है, खैर वो ट्वीट करेगी। मित्रों एक बार मैं प्लानिंग कमीशन पे चर्चा हुई, उन्होंने टाइगर के लिए 200 करोड़ रुपया भारत सरकार ने घोषित किया, शायद वो एनडीटीवी में उसी से चलता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने 200 करोड़ टाइगर बचाने के लिए किया। तो मैंने प्लानिंग कमीशन को पूछा, मैंने कहा साहब मुझे बताइए क्या टाइगर सेक्युलर है और लायन कॉम्युनल है? टाइगर को 200 करोड़ रुपया, लायन को कुछ नहीं। टाइगर की संख्या कम हो रही है, लायन की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा मोदी जी आपकी बात सही है, यानी वो दूसरे वाली नहीं पहले वाली। आपको हैरानी होगी, प्लानिंग कमीशन सहमत हुआ, उसने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, कुछ नहीं करवा पाए जी। तो वही तो सवाल, वही मैं उसी पर आ रहा हूं जी। आपके मन की बात को मैं अपने तरीके से मित्रों, व्यवस्था हो या ना हो बात का विषय है, कम से कम जो हो वो तो इफेक्टिव हो, शुरू वहीं से होता है, फिर जरूरत पड़ी तो उसमें बदलाव लाएं, जरूरत पड़े उसमें को बंद करें, जरूरत पड़े उसमें काट छांट करें, वो बात के विषय है। लेकिन आप अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अरे ठीक है आप टाइगर का कर लीजिए, देखेंगे लायन का बाद में देखेंगे, अमिताभ बच्चन देखेंगे, वो हमारे जाकर के घूम रहे कुछ तो देख, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो ये समस्याएं हैं, लेकिन बदलाव हमारा अनुभव है जी, बदलाव लाया जा सकता है। हम ऐसी इंस्टीट्यूशंस को भी विकसित कर सकते हैं जिसके कारण, अब जैसे मैंने एक विषय रखा था, मुझे एक दिन हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिल गए, अभी मैंने सुना है भारत सरकार शायद उस दिशा में करने जा रही है, ऐसा मैंने सुना है
लेकिन वहां जो सुना है वो होता है ऐसा होता नहीं। तो हमने सुना था कि स्टेट कैडर में से भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में कुछ लोगों को वो ले जाएंगे। मैं आज से 7-8 साल पहले फॉरेन सेक्रेटरी के साथ बातें कर रहा, मैंने कहा भाई आप स्टेट को कहो कि उसकी कैडर में से जिसको भी वो अलॉट करना चाहते हैं दुनिया के किसी न किसी देश में वो अपना एक डेस्क खोले। जिस स्टेट को इंटरेस्ट होगा, अब मान लीजिए मुझे 6 देशों में इंटरेस्ट है मेरे बिजनेस के लिए, तो मैं 6 देश के अंदर गुजरात की एक डेस्क बनाऊंगा, वो मिशन का मेंबर होगा और वो मेरे गुजरात के विषयों को डील करेगा। अब मान लीजिए मेरा यूके से बिजनेस है और इन दिनों मित्रों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने मेनली कॉमर्स है, आज वो कोई पुराने जमाने का स्पाई एंड स्ट्रैटेजी और वो थोड़ा रहा है, मेनली प्योरली कॉमर्स है, आपका ट्रेड ट्रीटी क्या होती उसी पर है, तो फिर आपने उस प्रकार से डेवलप करना चाहिए। हमने कहा कि आप हमको दीजिए, मैं अगर 6 देशों में करना है तो आई विल टेक केयर, और सिंपली हमारे लोगों, अच्छा हमारे लोग भी तैयार होंगे, तो वहां के लोगों को गुजरात से जो डील करना है वो इतने ढंग से होगा उसके मन में गुजरात के बंदे हिंदुस्तान के लिए अच्छी छवि बन गई, यार हिंदुस्तान गया तो मेरा काम हो गया, तो हमारी एक अच्छा प्रभाव पैदा होता है। उन्होंने कहा मोदी जी तो बढ़िया विचार है, मैं वो ही वॉज फॉरेन सेक्रेटरी, बोले मैं इसको कुछ ना कुछ करूंगा। मैंने कहा मेरा दूसरा विचार है, बोले क्या? मैंने कहा हमारे देश में मान लीजिए 30 राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, कम से कम दुनिया के 30 देश जिनके वोट, वोट की कीमत हर एक की समान है, और जब इंटरनेशनल फोरम में आपको वोट चाहिए तो यही लोग हैं वोट देते हैं, वो अफ्रीका का हो, छोटा हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसकी वोट की कीमत समान है। हमने कहा आप हिंदुस्तान के एक एक राज्य को एक स्टेट जोड़ दीजिए, एक कंट्री को एक स्टेट हमारा, उसको थोड़ा फाइनेंस भी कीजिए, उस कंट्री का कोई भी गेस्ट आएगा वो राज्य में जरूर जाएगा, इस राज्य के लोग उस कंट्री में जाएंगे। अगर मान लीजिए हमारा नागालैंड दुनिया के किसी एक देश के साथ लगाव बना लेता है, आप मुझे बताएंगे इतना बड़ा देश एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के बिना 30 देशों का ख्याल रख सकता है कि नहीं रख सकता है, और वो आगे चल करके हमारे काम आ सकते हैं। अब चीजों को बदलने को तैयार नहीं है जी, और मैं मानता हूं बदला जा सकता है, और इसलिए चाहे वरना क्या कारण है जी कि अब देखिए चाइना अफ्रीकन कंट्रीज के 40 देशों के लोगों को लेकर के चाइना में अफ्रीका की कॉन्फ्रेंस करता है और वो अपना रुतबा जमाता है वहां, हिंदुस्तान इस स्पर्धा में अगर पीछे रह जाएगा तो क्या बात बनेगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमने व्यवस्थाओं में, अब ये जरूरी नहीं है कि हम मिशन खत्म कर दें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम मिशन को मोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं हम। और ये बात मान के चलिए आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का मेन काम है ट्रेड ट्रीटी का, एकदम निकट के पड़ोसी हैं वो इश्यू अलग होते हैं, तो आप उसके 2 हिस्से करिए, जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं जिसके अलग इश्यूज हैं उसको हैंडल करने की एक अलग व्यवस्था कीजिए, और पूरे विश्व के अंदर आपको दोस्ती बनानी होती है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उसको अलग दिशा करिए, और इन चीजों को किया जा सकता है। एक विषय मैं सोच रहा था आप जरूर उसके उसको लाएंगे, लेकिन आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोले, तो मैं उसको सवाल में उठाता हूं, एक पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइजेशन का विषय अगेन।